जाति का निर्णय जन्म से होगा और सम्मान का निर्णय कर्म से होगा, ये सनातन धर्म है। कई लोग आज कंफ्यूज रहते हैं और ये बड़ा पुराना प्रश्न है कि जाति जन्म से या जाति कर्म से, लेकिन हमारे महात्माओं ने इस प्रसंग में निष्कर्ष निकाला, अगर जाति आप कर्म से मानेंगे, कर्म से, तो समाज में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? एक व्यक्ति जब पूजा पाठ करेगा, वेद मंत्र का पाठ करेगा, तो उसको ब्राह्मण कहना पड़ेगा, जब देश की रक्षा में जाएगा तो उसको क्षत्रिय कहना पड़ेगा, जब वो व्यापार करेगा तो उसको वैश्य कहना पड़ेगा, और जब वो सेवा करेगा तो उसको हरिजन कहना पड़ेगा। तो एक ही व्यक्ति के विषय में आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि इसको ब्राह्मण कहें कि क्षत्रिय कहें कि वैश्य कहें या हरिजन कहें। तो इसलिए जाति का निर्णय होगा जन्म से और सम्मान का निर्णय कर्म से। अगर ब्राह्मण होकर के भी शराब पीता है, हाँ हत्या करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, वो ब्राह्मण सम्मान पाने का अधिकारी नहीं। और जन्म से अगर वैश्य है, क्षत्रिय है, फिर भी जीवन अच्छा है, गायत्री जप करता है, अग्निहोत्र करता है, संध्या वंदन करता है, भगवान के भजन करता है, वो जन्म से वैश्य और क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की सभा में सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। ये निर्णय, ये शास्त्र का निर्णय है।